वेलकम दोस्तों, ऐसे मित्र कोर्स ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2024 की एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा संशोधन किया गया है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम के अंदर। दोस्तों इसके अंदर जो ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम है, और जिन भर्तियों के लिए ग्रेजुएट लेवल की जो एंट्रेंस एग्जाम करवाई जाती है दोस्तों, उस एग्जाम के अंदर और भर्तियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं जिनको सीईटी ग्रेजुएट के अंदर शामिल किया गया है, तो दोस्तों उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर सी ई टी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करें तो दोस्तों 9 अगस्त से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जो सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बोली गई है, वो सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और कौन कौन सी भर्तियों को सी ई टी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर शामिल किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों सी ई टी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को लेकर, वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर आकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि राजस्थान सी ई टी ग्रेजुएट लेवल 2024 में अब 11 भर्तियाँ 9 से आवेदन और पात्रता के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, संपूर्ण जानकारी देखें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 11 भर्तियों के लिए सेट परीक्षा में कितने परसेंट अंक लाना अनिवार्य है, सी ई टी ग्रेजुएट एग्जाम में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, और सचिन की योग्यता क्या होनी चाहिए, और आवेदन फॉर्म हम कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों वो सभी बातें इस वीडियो में मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सेट स्नातक लेवल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेट के लिए 9 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर सेट स्नातक लेवल के लिए आवेदन फॉर्म चालू करने जा रहे हैं 9 अगस्त से 7 सितंबर तक। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट जो है 7 सितंबर निर्धारित की गई है। दोस्तों सेट लेवल ग्रेजुएट एग्जाम वाले उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर परीक्षा तिथि 21, 22, 23 और 24 सितंबर घोषित की गई है। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 11 भर्तियों के लिए सेट परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा एक से अधिक चरण होने पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब की सेट में पटवारी भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती सहित 3 नई भर्तियाँ जोड़ी गई हैं। अब 11 भर्तियों के लिए परीक्षा होगी। परिणाम के बाद 11 भर्तियों का अलग अलग विज्ञापन जारी होगा। अब की पात्रता को लेकर भी नया प्रावधान लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 11 भर्तियों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने सेट में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों 11 भर्तियों के लिए वही स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिनके सी ई टी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर मिनिमम 40% अंक आए हो। एस सी एस टी को यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक दास का कहना है कि सेट प्रक्रिया शुरू है। परीक्षा से ओटीआर में अभ्यर्थियों को लाइव फ़ोटो और स्वयं की हस्तलिपि का नमूना भी अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो जो है दोस्तों उसको लाइव फ़ोटो रखा गया है। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है दोस्तों सी ई टी ग्रेजुएट एग्जाम में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है। तो दोस्तों वो 11 भर्तियाँ कौन कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्लाटून कमांडर, पटवारी, जिलेदार, जल संसाधन, अंधिष्ट लेखा सेवा, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, विपणन बोर्ड, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता, उप जिला छात्रावास अधीक्षक, पटवारी भर्ती, राजस्व अधीक्षक सेवा व ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों इन भर्तियों को यहाँ पर सी ई टी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर शामिल किया गया है। तो दोस्तों इनके अंदर आवेदन आप तभी कर सकते हो जब आप सी ई टी ग्रेजुएट लेवल के अंदर मिनिमम 40% अंक से पास होते हो, तभी आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करते हो। अगर आप 40% से कम अंक लाते हो तो दोस्तों आप इन 11 भर्तियों के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों सी ई टी ग्रेजुएट लेवल की अच्छे से तैयारी करें, जिससे आपके 40% से अधिक अंक आ सके, 11 भर्तियों का लाभ ले सके। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है कि राजस्थान सी ई टी ग्रेजुएट लेवल की एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है, जो क्रिमी लॉ के अंदर आते हैं। इसी के अंदर ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 350 रुपये रखा गया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है।
इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान सीईटी 2024 आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आयु सीमा की हम बात करें तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और दोस्तों सभी आरक्षित वर्गों को यहाँ पर सरकार द्वारा आयु के अंदर छूट दी गई है। इसी के अंदर दोस्तों योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी जो स्नातक पास है वो यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी के दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान सीईटी स्नातक परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएट लेवल के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट RSMSSB को ओपन करना है। इसके बाद आपको होम पेज पर नीचे की तरफ अप्लाई लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप SSO पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है और अंत में सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है और आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिससे भविष्य में कभी भी वह आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर सेट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर भी आप डायरेक्ट ही आवेदन कर सकते हैं सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के लिए। तो दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने को मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।